कृष्णा, राधे राधे, सुप्रभात आप सभी को। हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर इस्कॉन टेम्पल के बारे में, जो कि बैंगलोर का काफ़ी फेमस टेम्पल है और नियर बाई मेट्रो है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कहाँ कहाँ से किस तरह से हम लोग जर्नी करेंगे बाई मेट्रो, क्योंकि आउटसाइड से आप जाएंगे तो कब बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग सकता है। तो नियर बाई को भी मेट्रो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद किस तरह से ग्रीन लाइन या पर्पल लाइन से चल सकते हैं, कौन सा नियरेस्ट मेट्रो है इस्कॉन टेम्पल बैंगलोर के, वो सारी चीज़ आपसे शेयर करते हैं। ये जो आप सामने जो देख रहे हैं, ये है बेंगलोर मेट्रो का मैप। ऑलरेडी हमने इस पर एक वीडियो बनाया है कि आप इस मैप को किस तरह से अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में मैं बस आपको दिखाने वाला हूँ कि मतलब कौन सी मेट्रो सामने है इस्कॉन टेम्पल के, और उस मेट्रो में जाने के लिए आप ग्रीन लाइन या पर्पल लाइन के किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये महालक्ष्मी मेट्रो है, महालक्ष्मी मेट्रो से जो नियरेस्ट है आपको 7 to 10 मिनट्स वॉकिंग लगेगा। वो सारा चीज हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट करके दिखाएंगे, जब तक तो हम टेम्पल पहुंच नहीं जाते, और टेम्पल का जो भी व्यू आपको दिखा सकते हैं वो सारी चीज आपको दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये महालक्ष्मी टेम्पल है जो कि ग्रीन लाइन में पड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो महालक्ष्मी टेम्पल में मतलब मेट्रो जानी है, महालक्ष्मी मेट्रो जानी है आपको, और वहां से आपको वॉकिंग करना है तो नियरेस्ट ही आपको मिल जाएगा, या फिर सेंडल सॉ फैक्ट्री, ये दोनों मेट्रो से आप जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से महालक्ष्मी टेम्पल से आप जा सकते हैं, क्योंकि हमें महालक्ष्मी माँ के टेम्पल भी जाने हैं। तो दोनों टेम्पल इसी वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो महालक्ष्मी टेम्पल में हम लोग यहाँ से मेट्रो में जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको जैसा कि बताया कि मैं हूँ अभी KSR बेंगलुरु मेट्रो में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह जाएंगे। तो ये है KSR बेंगलुरु मेट्रो, ठीक है। तो या फिर आप किसी भी पर्पल लाइन से आप ले सकते हैं। पर्पल लाइन से आप चाहे चालाघाटा से आ रहे हैं, कंगेरी से आ रहे हैं, चाहे आप कहीं से भी आ रहे हैं, आपको आना कहाँ है, मेजेस्टिक आना है। इसलिए क्योंकि ये ग्रीन लाइन में है महालक्ष्मी मेट्रो, तो आपको पहले ग्रीन लाइन में आना पड़ेगा जो कि मेजेस्टिक है, दैट इज कॉमन पॉइंट फॉर पर्पल लाइन एंड ग्रीन लाइन। तो मेजेस्टिक आपको आना पड़ेगा, कहीं से भी आप आ रहे हो पर्पल लाइन से, चाहे आप यहाँ व्हाइट फील्ड से भी आप आ रहे हो, तो व्हाइट फील्ड से आपको डायरेक्टली मेजेस्टिक आना पड़ेगा। तो व्हाइट फील्ड से यदि आप आ रहे हैं तो कहाँ क्लिक करेंगे, तो चालाघाटा जाने वाली आप ले सकते हैं मेट्रो, या इस रूट में आने वाली कोई भी आप मेट्रो ले सकते हैं, मैसूर रोड आने वाली मेट्रो ले सकते हैं। तो इस रूट में आप देखेंगे तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, इस रूट में आने वाली कोई भी मेट्रो जो करेंटली अभी चल रही है, वो मैसूर रोड जाने वाली या चालाघाटा जाने वाली मेट्रो चल रही है, दोनों में से आप किसी को भी पकड़ेंगे तो आप यहाँ से मतलब मेजेस्टिक में आप उतर जाएंगे। और यही मैं इधर से एग्जाम्पल लूँ, चालाघाटा या आप कंगेरी से आ रहे हैं, या फिर इस लाइन से आप कहीं से भी आ रहे हैं, तो व्हाइट फील्ड जाने वाली आप मेट्रो ले लीजिए। व्हाइट फील्ड जाने वाली मेट्रो लेंगे तो आप आसानी से मेजेस्टिक में आप उतर जाएंगे, ठीक है। और मेजेस्टिक से आपको क्या करना है, नागासांद्रा जाने वाली मेट्रो लेनी है, जो लास्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, लास्ट पॉइंट क्या है, नागासांद्रा जाने वाली। तो नागासांद्रा वाले जाने वाली मेट्रो लेंगे तो ये क्या करेगी, ये सारे स्टेशन होते हुए जाएगी, यशवंतपुर होते हुए ये, और यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है मैप में, वो सारा स्टेशन होते हुए नागासांद्रा तक जाएगी, जो कि हमें महालक्ष्मी मेट्रो में उतार देगी। अब एग्जाम्पल लेते हैं, यदि आप यशवंतपुर में हैं, यशवंतपुर ऑलरेडी एक ग्रीन लाइन में है, ठीक है, तो ग्रीन लाइन में है तो आपको मेजेस्टिक आने की जरूरत नहीं है। आप यदि पर्पल लाइन में है तो आपको मेजेस्टिक आना पड़ेगा, क्योंकि आपको मेजेस्टिक से ही लाइन चेंज करके आपको जानी पड़ेगी, ठीक है, यहीं पे ही कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ से यदि आप यशवंतपुर में हो तो आपको मेजेस्टिक आने की जरूरत नहीं है, यशवंतपुर में है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे नीचे देखो, सिल्क इंस्टीट्यूट जाने वाली लास्ट लाइन देखो, जैसे कि मैं हमेशा एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो भी मेट्रो का वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि आप मान लो दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन लेनी है, तो मतलब हो सकता है दिल्ली से पटना जाने के बीच में कोई एक स्टेशन आएगा जहां पे आपको उतरना है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन मतलब कौन से प्लेटफॉर्म में है या फिर आ चुकी है, इस तरह से अनाउंसमेंट भी जनरली की जाती है। उसी तरह से यहाँ पर लास्ट पॉइंट देखो, मेट्रो लास्ट जो पॉइंट जाती है वो सिल्क इंस्टीट्यूट जाती है, तो यशवंतपुर से सिल्क इंस्टीट्यूट जाने वाली आप मेट्रो लेंगे तो आपको मेजेस्टिक में उतार देगी, ठीक है, मेजेस्टिक में यदि आपको आना है तो। लेकिन आपको महालक्ष्मी में ही उतरना है तो यशवंतपुर से आप डायरेक्टली सिल्क इंस्टीट्यूट जाने वाली मेट्रो लेंगे, जो कि आपको दो स्टॉपेज में, यशवंतपुर के बाद सेंड सॉल्ट फैक्ट्री और उसके बाद महालक्ष्मी, बस दो ही स्टॉपेज के बाद आप महालक्ष्मी मेट्रो में पहुंच जाएंगे। यदि आप KSR से जा रहे हैं, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, तो KSR मेट्रो ये है, उसके जस्ट एक स्टॉपेज के बाद आप देखे हुए थे, ये है आपका मेजेस्टिक, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, व्हाइट फील्ड जाने वाली मेट्रो लेंगे जो हमें मेजेस्टिक में उतार देगी, और मेजेस्टिक से जो है हम डायरेक्टली हम नागासांद्रा जाने वाली मेट्रो लेंगे जो कि हमें महालक्ष्मी में उतार देगी।
वीडियो को पॉज करके थोड़ा से देखिए, चीजों को देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएंगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट होते नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इसका एक अच्छे से बनाया हुआ है वीडियो, आप उसे भी देख सकते हैं। तो अब मुझे विश्वास है कि आप कहीं से भी यदि आप आना चाहते हैं, कोई भी पॉइंट से आप आना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आप कमेंट करके बताना कि यदि आप के आर पुरा से आना चाहते हो महालक्ष्मी मेट्रो, तो आप किस तरह से आएंगे, आप कमेंट करके बताना, सो दैट कि यदि आपकी कोई गलती होती है तो मैं उसको करेक्ट कर सकूं। ठीक है, अब ये सारे चीज जो हमने आपको बताया, KSR मेट्रो से जो है अभी मैं व्हाइटफील्ड के लिए पकड़ूंगा जो कि हमें मैजेस्टिक ले जाएगी, और मैजेस्टिक से मैं डायरेक्टली जो है नागासांद्र जाने वाली मेट्रो लूंगा जो कि हमें महालक्ष्मी में उतार देगी। महालक्ष्मी से हम वॉकिंग करके इस्कॉन टेम्पल चलेंगे 7 to 10 मिनट्स में। अब कितना टाइम लगता है, क्या है डायरेक्शन, किस तरह से अद्भुत नजारा है भगवान श्री कृष्ण राधे जी का मंदिर, वो सारा चीज हम लोग वहां पे इस वीडियो में देखेंगे। बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप किस तरह से जा सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन आप अभी वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि यही इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूँ जब तक मैं टेम्पल पहुँच नहीं जाता। तो अभी हूँ मैं यहाँ पे, देखोगे तो रेलवे के रिटायरिंग रूम में रुका हूँ। किस तरह से इस तरह के रिटायरिंग रूम में रुक सकते हैं, तो ये वीडियो ऑलरेडी बना है तो आप उसे देख सकते हैं, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, ताकि आप यदि आते हैं तो इस तरह स्टे कर सकते हैं। 12 घंटे के लिए आपको सिर्फ सिर्फ 350 रुपये, 350 रुपीज़। ये कोई प्रमोशनल वीडियोस नहीं है, मैं जस्ट चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब बाहर स्टे करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, तो इस तरह से आपको यदि देखना है तो दो वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। अब चलिए भगवान जी का नाम लेते हुए यहाँ से निकलते हैं। अभी KSR बेंगलोर रेलवे स्टेशन में, और यहाँ से मेट्रो जा रहा हूँ, तो नियरेस्ट मेट्रो है प्लेटफॉर्म नंबर 10 से आगे आपको मिल जाएगा, जिसका ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है। तो यहाँ से चलते हैं मैजेस्टिक जाएंगे, और मैजेस्टिक जाने के बाद फिर वहाँ से लाइन चेंज करेंगे नागासांद्रा जाने वाली, जो कि हमें महालक्ष्मी मेट्रो में उतार देगी, और वहाँ से हम लोग देखते हैं वॉकिंग करके कितना दूर है इस्कॉन टेम्पल। और टोटल टाइम की बात करें तो टोटल जो ये जर्नी है 10 मिनट की ओनली होने वाली है। यहाँ से मैजेस्टिक चलेंगे, मैजेस्टिक से उतर के फिर आगे की जो महालक्ष्मी मेट्रो तक की जो जर्नी है ओनली 10 मिनट्स की होगी, और फेयर की बात करूँ तो अराउंड 25 रुपीज़ लगेंगे। डिपेंड करता है आप किस तरह से टोकन ले रहे हैं, या फिर स्मार्ट कार्ड से कर रहे हैं, या फिर व्हाट्सअप QR टिकट से। इस तरह से मैं बेंगलोर मेट्रो का टिकट वगैरह लेना है, उसकी भी ऑलरेडी वीडियोज़ बन चुकी हैं, तो हमारे बेंगलोर मेट्रो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। फाइनली एंट्री कर चुका हूँ, और यहाँ से जा रहे हैं व्हाइट फील्ड के लिए मेट्रो लेंगे, जो कि मेजेस्टिक हमें उतार देगी व्हाइट फील्ड। तो फाइनली मैंने जो है वहां से KSR बेंगलुरु मेट्रो से व्हाइट फील्ड जाने वाली मेट्रो ली, जो कि हमें नेक्स्ट स्टॉपेज में ही मेजेस्टिक में उतार देगी। वहां से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेशन आएगा मेट्रो से, और मेजेस्टिक में आप उतर जाएंगे। वहां से हमें जो है लाइन चेंज करनी पड़ेगी, वहां पे कभी कभी जो है डिपेंड करता है आप कौन से टाइम में जा रहे हैं। ऑफिस के टाइमिंग में जाएंगे तो थोड़ा सा क्राउड आपको मिल सकता है, अर्ली इन द मॉर्निंग थोड़ा कम क्राउड रहता है। तो चलिए मेजेस्टिक पहुंचते हैं, फिर वीडियो को कंटिन्यू। यहाँ से नागासांद्रा वाले ही जाने के लिए पकड़ना पड़ेगा प्लेटफॉर्म नंबर 3। नागासांद्रा जाने वाली आ चुकी है, आपको यहाँ भी लिखी रहती है, जैसे देखोगे तो यहाँ पे देखो टुवर्ड्स नागासांद्रा। कि आपने देखा हमने प्लेटफॉर्म नंबर 3 से नागासांद्रा जाने वाली मेट्रो ली है, जो हमें लाइक जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाया था महालक्ष्मी मेट्रो में उतर जाएंगे, और ये आप देखेंगे इस्कॉन टेम्पल का अद्भुत नजारा मेट्रो से जाते हुए। और कुछ देर में अब हम लोग महालक्ष्मी मेट्रो पहुंचने वाले हैं, तो ये स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं वो सारे स्टेशन होकर हम लोग मतलब मैजिस्टिक से आप जाएंगे, तो महालक्ष्मी के लिए आपको ये सारे स्टेशन पड़ेंगे। Train will arrive in Mahalakshmi. Doors will open on the left. Please mind the gap. तो उत्तर चुका हूँ यहाँ पे महालक्ष्मी मेट्रो में, और यहाँ पे दो टेम्पल आपको मिलेंगे, महालक्ष्मी के भी टेम्पल मिलेंगे और साथ ही साथ इस्कॉन टेम्पल भी मिलेंगे। तो मैं दोनों टेम्पल इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। यहाँ से एग्जिट करते हैं और फिर देखते हैं, पहले इस्कॉन टेम्पल चलेंगे। हवाई इस्कॉन टेम्पल साइड
यहाँ पे लिखा हुआ है इस्कॉन टेम्पल साइड एग्जिट सी पॉइंट, टेम्पल साइड यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। मेट्रो से एग्जिट हो चुके हैं, अभी हो रहे हैं 9:20 अराउंड। देखते हैं यहाँ से वॉकिंग कितना टाइम लगता है। यहाँ से निकलने के बाद मेट्रो से आपको राइट साइड लेना है और राइट साइड करते हुए चलेंगे। और अभी हो चुके हैं 3 मिनट्स अभी तक स्ट्रेट जाना है। वहाँ से आने के बाद कहीं भी कोई भी टर्निंग नहीं लेनी है, मेट्रो से निकलने के बाद राइट लेनी है और राइट करके ये वॉकवे भी आपको मिलेगा और स्ट्रेट चलते जाना है भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस साइड में आपको यहाँ पे श्री गणेश जी के टेम्पल मिलेंगे और यहाँ से फिर आपको स्ट्रेट चलते जाना है। 7 मिनट वॉकिंग के साथ पहुँच चुके हैं यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल और यहाँ से अंदर जाते हैं। ये यहाँ से एंट्री पॉइंट आगे से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ से एंट्री कर रहे हैं टेंपल एंट्री राइट साइड, इधर ही है फुटवेयर स्टैंड है, ड्रिंकिंग वाटर है, बैगेज डिपॉजिट, हैंड वॉश के लिए और दर्शन के लिए सब इधर ही जाना है। लगेज यहाँ पे जो भी आप लाएंगे उसको फ्री डिपॉजिट है, फ्री डिपॉजिट करने के बाद आप आगे बढ़ चुके हैं। लगेज डिपॉजिट करने के बाद आपको आगे फुटवेयर स्टैंड मिलेगा जहाँ पे आप आइदर 5 रुपीज पर पेयर के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको फ्री फुटवेयर स्टैंड मिलेगा एट ऑनर रिस्क, तो वहाँ भी आप अपना फुटवेयर फ्री रख सकते हैं। ये तो काफी बड़ा है, यहाँ से ऊपर होने के बाद ये देखो इस तरह से होके लगता है वो जो व्हाइट वाली है ना दिख रहा है वही टेम्पल है। यहाँ से चलते हैं, काफी बड़ा सराउंडिंग है। वहां से हमने एंट्री किया था यहाँ से, वाओ काफी अद्भुत दिख रहा है। फाइनली टेंपल के नज़दीक पहुंच चुके हैं, अभी इधर से होके हमें घूम के जाना है, लेकिन यहाँ से देखो भाई कितनी अच्छी अद्भुत दिख रही हैं। वाओ कितना अच्छे तरीके से सेट बनाया हुआ है। तो धूप काफ़ी ज़्यादा है बाहर में, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना बिल्कुल ठंडक फील हो रही है। चारों तरफ गार्डनिंग वगैरह भी है यहाँ पे, तो मुझे लगता है इन फ्यूचर यहाँ पे फाउंटेन वगैरह भी बनने वाला है, फ्लावर्स वगैरह हैं। यहाँ पे एक होटल है बट मुझे आइडिया नहीं कि कितना ज़्यादा वो प्राइस है। और यहाँ पे से देखो मेट्रो यहाँ से गुजर रहे हैं। आ चुके हैं टेंपल के सामने, अब यहाँ से एंट्री करते हैं आगे। वाओ यहाँ से तो अद्भुत नज़ारा है, और अच्छा चारों तरफ से क्लाउडिंग और काफ़ी अच्छा अद्भुत दिख रहा है श्री राधा कृष्ण टेम्पल। एंट्री करते हैं, अब आगे जा रहे हैं। यहाँ पे दर्शन हो गई है भगवान के। Human life is meant for realization of the self and spiritual soul within the body. ये आ चुके हम लोग मेन टेम्पल में श्री राधा कृष्ण के मेन टेम्पल। वाओ काफी अद्भुत। हम लोगों ने सबसे पहले नरसिम्हा भगवान के दर्शन किए, फिर श्रीनिवास भगवान के दर्शन किए और फिर यहाँ पे आ चुके हैं मेन टेम्पल में। फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोविडेड इनसाइड द टेम्पल, आगे वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। दर्शन करके निकल चुका हूँ, काफ़ी खूबसूरत है। श्री कृष्ण राधे की मूर्ति देख कर ना आँख से आँसू आ जाएंगे, काफ़ी अच्छी प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ पे फ्री प्रसाद है, फ्री लंच प्रसाद फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स फ्रॉम 11:30 to 2 PM तक।
अंदर जाएंगे तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधे की मूर्ति रखी है, और साथ ही साथ लाइक वहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स वगैरह हैं जहाँ पे उनकी मूर्तियाँ, छोटी छोटी मूर्तियाँ मिलेंगी, और साथ ही साथ स्नैक्स के आइटम पूरे के पूरे हैं, नमकीन से लेकर मिठाई तक की सारी सारी चीज़ें मिलेंगी। फाइनली यहाँ से एग्जिट कर चुके हैं, और काफ़ी बड़ा टेम्पल है ये। पूरे टेम्पल घूमने में कम से कम आपको आधे घंटे 45 मिनट लगेंगे, और यदि आप ये चीज़ें करना यहाँ पे आना चाहते हैं तो 11:30 से 2 PM के ड्यूरिंग में आएंगे तो आपको यहाँ पे फ्री प्रसाद भी मिल जाएगा। बनाया गया हाथ धोने के लिए, पानी पीने के लिए, भक्तों के लिए काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट की गई है। पे अभी खिचड़ी मिल गई है, फ्री प्रसाद। आ चुके हैं एग्जिट पॉइंट में, और यहाँ से अपना फुटवेयर और लगेज लेंगे। यहाँ पे देखो एक इनसाइड ही रेस्टोरेंट भी है, ये सारी चीज़ यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ मिलता है। फाइनली लगेज और फुटवेयर ले लिया हूँ, यहाँ से एग्जिट करते हैं। इस्कॉन टेंपल के सामने ही अराउंड लाइक 1 किलोमीटर अराउंड, यदि आप वहाँ से पैदल चलेंगे तो 1 किलोमीटर अराउंड आपको रहेगा, वहाँ से आप महालक्ष्मी टेंपल आ सकते हैं। तो हमने फाइनली ऑटो लिया है और वहाँ से महालक्ष्मी टेम्पल की ओर जा रहे हैं। जा चुका हूँ यहाँ पे महालक्ष्मी टेम्पल के पास। यदि आप वहाँ से आना चाहते हैं तो आप पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन आप किसी से पूछ सकते हैं, रोड जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है ये, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट्स लग सकते हैं। मुझे यहाँ से ट्रेन लेनी है, थोड़ा जल्दी जाना है, इसलिए मैंने ऑटो लिया, और 50 रुपीज़ में यहाँ पे पहुँच चुके हैं। महालक्ष्मी मेट्रो स्टेशन के जस्ट ये पास है, तो दोनों ही समझो कि नियर बाई है टेम्पल। और ये है इसका फ्रंट व्यू, यहाँ पे इनका ये सामने प्रसाद काउंटर वगैरह है। अब यहाँ से एंट्री करते हैं, आगे ऊपर में टेम्पल है। तो गाइस फाइनली मंदिर का दर्शन करके निकल चुके हैं। इनसाइड आपको देख रहे हैं भव्य मंदिर है, इनसाइड आपको महालक्ष्मी के दर्शन हो जाएंगे, श्री गणेश जी के दर्शन हो जाएंगे, बजरंग बली की अद्भुत प्रतिमा देखने के लिए मिलेगी, श्री राम भगवान लक्ष्मण जी की, सीता मैया और बजरंग बली के साथ एक अद्भुत प्रतिमा है, तो आप वहां के दर्शन कर सकते हैं। वहां पे अंदर में आपको प्रसाद भी मिलेगा। तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं यहां पे दर्शन करके, अब यहां से जा रहे हैं नियरेस्ट मेट्रो। तो मैंने आपको दिखाया, यदि आप महालक्ष्मी मेट्रो आते हैं तो वहां से वॉकिंग डिस्टेंस है। तो अभी तक यदि आप वीडियो में बने रहें तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी भक्त आ रहे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए उनको ये सारी चीज़ें पता चल सके। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।